एक और जहां बिहार में त्योहारों का मौसम शुरू है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के द्वारा जो फरमान जारी की गई है, इस फरमान के जारी होने के बाद आम लोगों में खलबली मच गई और सियासत बिहार में तेज हो गई है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई है, जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर दी गई है, तीज की छुट्टी खत्म कर दी गई है, गुरु नानक जयंती की छुट्टी खत्म कर दी गई है और दुर्गा पूजा 3 दिन, दीपावली 1 दिन और छठ में 2 दिन का छुट्टी दिया गया, यानी कि दीपावली से छठ तक जो दुर्गा पूजा दीपावली छठ तक जो 23 दिन का छुट्टी था उसे घटाकर 11 दिन कर दिया गया। यह जो पर्व के त्यौहार में जो छुट्टी की कटौती की गई है, इस कटौती के बाद बिहार में एक और जहां भाजपाई हमलावर दिख रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग के पाठक ने छुट्टी रद्द करते हुए शिक्षा विभाग में सुधार की बात की है। टीचर्स की मौज खत्म हो गई और विद्यार्थी को भी स्कूल आना होगा। शिक्षा विभाग में तरह तरह के परिवर्तन करके शिक्षा जगत में सुधार का प्रयास के पाठक ने शुरू किया है। जो प्रयास कहाँ तक सफल होता है वक्त रहते ही पता चल पाएगा। भाजपा के नेतागण त्यौहार में छुट्टी रद्द होने से बिखर चुके हैं और वो बिहार सरकार पर हमला बढ़े हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।